हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़ों को और बच्चों को पसंद आने वाला ब्रोकली पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही बनाना आसान है और झटपट भी बन जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रोकली पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले ब्रोकली। ब्रोकली को मैंने एकदम बारीक चॉपर की मदद से कट कर लिया हुआ है। तेल, धनिया कटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट और 2 बड़े चम्मच बटर। और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 क्यूब्स चीज़। पराठे के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 कप गेहूं का आटा, नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले मैं पराठे के लिए आटा गूंद लूँगी। उसमें मैं डालूँगी 2 छोटे चम्मच तेल और स्वाद अनुसार नमक, और ठंडे पानी से ही आपको आटा गूंदना है। तो मेरा आटा यहाँ पे गूंद के हो चुका है। अब मैं उसे ढककर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले मैं रेडी करूँगी यहाँ पर स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालूँगी मैं बटर। बटर अच्छे से गर्म होने के बाद मैं डालूँगी जीरा। जीरा को भी अच्छे से हल्का गुलाबी रंग आने के बाद मैं उसके अंदर डालूँगी प्याज। प्याज को भी अच्छे से गुलाबी रंग आए तब तक भूनना है हमें। प्याज अच्छे से गुलाबी रंग के हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी अदरक और लहसुन की पेस्ट, उसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लूंगी। अदरक और लहसुन भून जाने के बाद मैं डालूंगी उसमें नमक, ब्रोकली और काली मिर्च का पाउडर और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद उसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद उसे 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो कढ़ाई के तले में चिपके ना। आप देख सकते हो कि स्टफिंग बनकर रेडी है। अब उसे ठंडा होने देना है। स्टफिंग को ठंडे होने देने के लिए मैं उसे एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। स्टफिंग ठंडे होने के बाद मैं उसमें चीज़ को कद्दूकस कर लूंगी। चीज़ कद्दूकस होने के बाद स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो चीज़ कद्दूकस किया हुआ है वो स्टफिंग के अंदर मिल जाए। रोटी की साइज़ का ही आपको गोला लेकर एक रोटी बेल देनी है और स्टफिंग को उसके अंदर फील करना है। ध्यान रखें, स्टफिंग को हमें आधी रोटी के अंदर ही फील करना है। स्टफिंग को आधी रोटी में फील करने के बाद उसे अच्छे से फोल्ड करना है और उसी कॉर्नर को अच्छे से प्रेस करना है और हल्के हाथ सिर्फ 2 बेलन उसमें लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने पराठे को स्टफ कर दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी थिकनेस रखी हुई है पराठा की। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, वरना जो स्टफिंग डाली है उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब बारी आती है पराठे को सेकने की। तो यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं डालूँगी तवे पर बटर और फिर पराठे को डाल के अच्छे से सेक लूँगी।
पराठे में हमें बटर लगाकर सेकना है दोनों तरफ से, और ध्यान रखिए कि ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं करना है, हल्का गुलाबी रंग आते तक ही सेकना है। तो हमारा पराठा रेडी है, उसके ऊपर मैं डालूंगी बटर और सर्व करूंगी। यहाँ मैंने पराठे को सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहो तो धनिया की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।